एनीवेज स्टार्ट। तो आपने कल सुना था कि भगवान भीष्म पितामह के मुक्ति को देख करके उसके बाद जो ऋषि मुनि थे वो प्रसन्न होकर के प्रसन्न हुए और अपने हृदय में कृष्ण को धारण करके भगवान का नाम कीर्तन करके फिर वह अपने आश्रम में चले गए। उसके बाद क्या हुआ आप देख लीजिए, यहाँ पे दो श्लोक हैं। कौन पीछे बोलिए, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध नवाध्याय 48 और 49 श्लोक हम देख रहे हैं। आज अध्याय पूर्ण हो जाएगा। ततो युधिष्ठिरो गत्वा ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयम् सह कृष्णो गजावयम् पितरं सांत्वयामास पितरं सांत्वयामास गांधारी च तपस्विनीम् गांधारी च तपस्विनीम् ततो युधिष्ठिरो गत्वा ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयम् सह कृष्णो गजावयम् पितरं सांत्वयामासा सांत्वयामासा गांधारी च तपस्विनी गांधारी च तपस्विनी ततो युधिष्ठिरो गत्वा ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयम् सह कृष्णो गजावयम् पितरं सांत्वयामास पितरं सांत्वयामास गांधारी च तपस्विनी गांधारी च तपस्विनी। अनुवाद देखते हैं, अनुवाद लिखा ही नहीं मैंने। ओ गलती से मैंने अनुवाद को डिलीट कर दिया, अभी कहाँ अनुवाद चला गया। ओ अनुवाद श्रीधरी के बाद आ गया, ठीक है अनुवाद देख लीजिए। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को डांडस बंधाया। ततो युधिष्ठिरो गत्वा इसके पश्चात मतलब अन्य ऋषियों के चले जाने के बाद युधिष्ठिर महाराज गए किसके साथ, सह कृष्ण कृष्ण के साथ भगवान श्री कृष्ण के साथ गजाहवयम जिस स्थान का नाम गज के नाम से युक्त करके आवाहित किया जाता है आवाहन किया जाता है हस्तिनापुर, समझ रहे हैं, इसलिए गजावयम का अर्थ हो गया हस्तिनापुर। क्या किया, राज्य स्वीकार किया, नहीं राज नहीं स्वीकार किया, पितरम सांत्वया मासा पितरम अर्थात अपने ताऊ ताई और ताई कह रहे थे ताऊ ताई ताऊ धृतराष्ट्र को सांत्वना दी क्योंकि उनके 100 पुत्र मारे गए थे और 100 पुत्र पांडवों के द्वारा कह सकते हैं भीम के द्वारा ही मारे गए थे, स्वाभाविक सी बात है। और वो बहुत दुखी थे, आपको पता है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो गधे जैसे रेखने की आवाज किया था, वो स्वयं गधे जैसे, हाँ नहीं वो स्वयं नहीं किया था, आसपास गधे की, शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो गधे की रेखने की आवाज किया था, सॉरी सॉरी गुण सही से नहीं मिला पा तो गधे की रेखने की आवाज आई थी तो वहां पे बोला गया था इसको त्याग कर दीजिए नहीं तो यह वंश का नाश करेगा, लेकिन इतनी आसक्ति थी दुर्योधन के प्रति को त्याग नहीं पाया उसको, तो आप समझ सकते हैं कि सारे बच्चे मारे गए तो उनको बहुत दुख लगा था। इसीलिए कह रहे हैं गांधारी चा तपस्विनी, यहां पे गांधारी को तपस्विनी इसलिए कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं क्योंकि वह संतापित थी अपने बच्चों के मारे जाने के कारण, इसलिए वैसे तो तपस्वी थी ही, एक और कारण है इसको प्रभुपाद बताएंगे, क्योंकि उन्होंने पट्टी बांध ली थी आंख में क्योंकि उनके पति जो है वो अंधे थे, इसी कारण से आप जानते हैं कि उनकी आंखों में विशेष शक्ति आ गई थी जिसके द्वारा वह दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान करना चाहती, वो एक अलग लीला है। अन्वय ततः सह कृष्ण गजावयम, तो आसान होगा समझने के लिए। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर में गत्वा जाकर युधिष्ठिर अर्थात महाराज युधिष्ठिर ने पितरम तपस्विनी गांधारीम च अपने ताऊ धृतराष्ट्र को और अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को सांत्वयामासा अर्थात सांत्वना प्रदान करे। यहाँ प्रसिद्ध स्वामी कहते हैं इस श्लोक में पितरम पद से धृतराष्ट्र को कहा गया है और तपस्विनी पद से पुत्रों के दुसह शोक से युक्त गांधारी को कहा गया है, स्पष्ट में उनको दुख हो रहा था, तपस्या मतलब ही होता है वैसे, तपस्या का अर्थ होता है कुछ दुख सहन करना अपने कल्याण के लिए, यहाँ कोई कल्याण वाली बात तो नहीं होती, बस उनको दुख हो रहा है इस कारण से उनको तपस्विनी कहा जा रहा है, ठीक है। तात्पर्य
धृतराष्ट्र तथा गांधारी दुर्योधन आदि 100 भाइयों के पिता माता थे और नाते में वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ ताई लगते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने सारे पुत्र पौत्रों को खो देने से यह यशस्वी दंपत्ति महाराज युधिष्ठिर के संरक्षण में थे होना चाहिए। वे अपनी अपार क्षति से उत्पन्न कष्ट से घोर संतप्त थे और तपस्वियों का सा जीवन बिता रहे थे। धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था। देखिए ये ध्यान देना होगा कि धृतराष्ट्र का भीष्मदेव से बहुत प्रेम था। भीष्मदेव से कोई अच्छा उनको आशा भी थी कि भीष्मदेव हमको युद्ध में जिता देंगे। तो भीष्मदेव जब धराशायी हो गए, वस्तुतः जो हम सुने आप मुझे करेक्ट कीजिएगा हम गलत अगर नहीं बोल रहे हैं, तो जब भीष्मदेव धराशायी हो गए जो मैं सुना हूं महाभारत हम पढ़े नहीं है, तो उस वक्त उन्हें पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किम वेतायु सभा, गलत तो नहीं बोला यही है ना, यही कि जब भीष्मदेव उससे पहले कोई प्रश्न नहीं था ऐसा हम यही सुने हैं। देखना पड़ेगा महाभारत में वापस कि भीष्म ये भगवद गीता का प्रश्न तब किए जब सुने भीष्मदेव धराशाही हो गए इस प्रकार से, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन आपको ये पता होना चाहिए कि ये आगे पीछे भी करते थे। संजय युद्ध में जाते फिर वापस आते, ऐसे इन्फॉर्मेशन। हाँ भीष्मदेव के मरने के मतलब धाराशाही होने के बाद वापस, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि संजय 10 दिन रहते। देखिए क्या है महाभारत हम एग्जैक्ट पढ़े नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपकी बात मान ले रहा हूँ कि 10 दिन वहाँ पर युद्ध में थे और युद्ध में जब भीष्मदेव धराशाही हो गए तब वापस आए और फिर उन्होंने पूछा उसे, तो ये बात भी हम समझ सकते। हाँ उसके बाद लाइव प्रसारण किया 8 दिन का, प्रभु जी भी थे लग रहा है बगल में कुछ हो सकता है। वैसे ये तो सही बात है ना, क्या ना तो वाहम जात नासम न तो नहीं में जना दीपा, किसी रूप में हम लोग थे, अब किस रूप में थे हमको नहीं पता। खैर जो भी रहा, देखिए क्या है इसको जब पढ़ाता हूँ ना तो मन तो करता है महाभारत पढ़ने का लेकिन समय नहीं मिल रहा। महाभारत पढ़ने लग जाए तो बड़ा रोचक चीजें मालूम चलती है, लेकिन अब भागवत में मति लगा लेते हैं। धृतराष्ट्र के चाचा भीष्मदेव की मृत्यु इन राजा रानी के लिए दूसरा गहरा आघात था, अतएव उन्हें महाराज युधिष्ठिर से सांत्वना की आवश्यकता थी। ठीक है स्पष्ट है, महाराज युधिष्ठिर को अपने कर्तव्य का ज्ञान था, अतएव वे कृष्ण सहित तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और शोकाकुल धृतराष्ट्र को दयामय शब्दों से अपनी और भगवान की ओर से सांत्वना दी। अब आपको इसमें कुछ विचित्र नहीं लगा, इस चैप्टर की शुरुआत में कौन दुखी था? युधिष्ठिर महाराज। और अब आप कह रहे हो कि ये इतने दुखी लोगों को सांत्वना प्रदान कर पा रहे हैं, ये कैसे हुआ? तो आप समझ गए पूरी लीला, भीष्मदेव की उक्ति के द्वारा जब भीष्मदेव बोले तो अब उस ज्ञान को हृदय में प्रकाशित कर दिए भगवान कृष्ण। देखिए श्लोक बहुत सिंपल सा लग रहा है आपको, है कि नहीं? लेकिन अगर थोड़ा सा विचार कीजिए कि चैप्टर की शुरुआत में रो रहे हैं, मेरा उसकी शुरुआत का मतलब पिछले अध्याय के अंत में क्या बोल रहे हैं कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता है, मेरा उद्धार तो नहीं हो सकता, मुझे तो नरक में गिरना है। जब इतना व्यक्ति स्वयं डिप्रेस है तो मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बन सकता है वो? तो आप देख रहे हैं कि एक ही चैप्टर में, एक चैप्टर के अंतर्गत भीष्मदेव ने जो बात कही, भगवान कृष्ण से कुछ अलग नहीं बोल रहे थे, लेकिन भीष्मदेव ने जो बात कही उसको अब भगवान समझवा दी। ये बहुत विशेष गुण है, इसीलिए कह रहे हैं कि उनका सामर्थ्य हो सका कि वह उनको समझा रहे थे। और किस प्रकार से सांत्वना दी? महाराज समझाते हैं, उन्हें कहा कि देखिए, युधिष्ठिर महाराज बोले कि देखिए मैं युद्ध नहीं चाहता था और अर्जुन भी युद्ध नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि भीम भी, आपको पता होना चाहिए कि भीम भी मान गए थे, ठीक है चलो युद्ध नहीं करते, हमें 5 गांव दे दीजिए। ये पता नहीं हो गया, आप सोच रहे होंगे भीम लड़ते थे, लेकिन एकदम लास्ट में जब भगवान कृष्ण को शांति दूत बनाया गया तो उससे पहले भीम भी माने, ये तो महाभारत कंटेंस में पढ़ा, भीम भी मान गए चलो युद्ध छोड़ देते हैं। जिस व्यक्ति ने संकल्प लिया था कि 100 के 100 पुत्रों को मारूंगा धृतराष्ट्र के, वह भी मान गए चलो कोई बात छोड़ देते हैं, हम 5 गांव दे दीजिए, हम लोग शांति से रह लेंगे। तो फिर भी दुर्योधन नहीं माना, मैत्रेय मुनि समझाए, मैत्रेय मुनि आए थे ना, नहीं मार्कंडेय ऋषि आए थे, वह समझाए नहीं माना दुर्योधन, और भगवान कृष्ण स्वयं समझाए दुर्योधन को लेकिन आप जानते हैं कृष्ण अद्भुत करुणा, अंदर से समझने नहीं दी।
जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। ये स्वयं दुर्योधन भगवान कृष्ण को कहता है कि कृष्ण आप जो बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन और मैं जानता भी हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन कोई है अंदर से जो प्रेरित कर रहा है मुझे, मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, जानता हूँ धर्म क्या है, और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं होती, जानता हूँ कि धर्म क्या है। तो ये स्थिति थी। तो आप समझ सकते हैं भगवान के द्वारा नियोजित था, युद्ध तो होना ही था, देव के द्वारा नियोजित था, हम कौन से उनको मारना चाहते थे, इस प्रकार से बोल करके सांत्वना प्रदान किए। आगे, यद्यपि गांधारी आज्ञाकारिणी पत्नी, अच्छा एक बात बताना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए हम लोग उसको श्लोक में देखे थे, यहां छोड़ दिए कि तत्पश्चात इसके तुरंत बाद राजा युधिष्ठिर राजा नहीं बने, पहले अपने ताऊ और ताई के दुख को निवृत्त करने में लगे। कई दिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि एक दिन बोले तो शांत हो गए होंगे। महाराज को बड़े विनोद में कहते हैं, ऐसा नहीं कि चलो अब कार्ड छपवाए कि अगर राजा कौन है बड़े सेंसिटिव है कि नहीं। आप जरा धृतराष्ट्र के हृदय में प्रवेश कीजिए, एक तो उनकी बहुत इच्छा थी कि वे उनका बेटा राजा बने, तो वो तो बना नहीं, बच्चे सारे मर गए, तो कितना दुख होगा भाई। हम तो खाली थ्योरी बोल सकते हैं, बाकी जिनके बच्चे होते, किसी को बच्चा मर जाए कितना दुख होगा, और जवान लड़के मारे गए, आप जानते हैं जवान लड़का मर जाता तो और दुख होता है, हंस रहे हो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, और 100-100 बच्चे मारे गए, और जिन्होंने मारा वो सामने खड़ा है, अब बताइए कितना दुख होगा। भीम ने मारा ना, और कुचल कुचल के मारा एकदम, बहुत, मैं नहीं कह रहा हूं बुरा किया, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मारा तो है ना, वो कौन सी सब खली तो थे, खलों को मार रहा तो अच्छी बात है, लेकिन तो दुख तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात। हाँ ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि माता कुंती के पांचों बेटे जिंदा थे, तो वह भी बहुत सारे कारण से दुखी होने के, फिर भी सांत्वना दिया, तो धृतराष्ट्र महाराज बोले, नहीं बेटा राज्य तो तुम्हारा ही था, तुम्हें राज्य करने के अधिकारी राज्य बनो। अभी अभी और चीजें हम देखिएगा। यद्यपि गांधारी आज्ञाकारिणी पत्नी तथा दयालु माता का जीवन बिता रही थी, लेकिन वे शक्तिमान तपस्विनी भी थी। क्यों? यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के अंधत्व के कारण स्वेच्छा से अपनी भी आंखें बंद कर रखी थी। पत्नी का कर्तव्य है कि पति का 100% अनुगमन करे, और गांधारी इतनी पति परायणा थी कि पति के निरंतर अंधत्व में उनका अनुगमन करती रही। मैं इसको इस तरह से व्याख्या तो नहीं करूंगा, मैं थोड़े अलग तरह से व्याख्या करूंगा कि मान लीजिए पति आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, तो अब उस तरह से नहीं सोचना चाहिए, अच्छा अच्छा हमें अपने पति का अनुगमन करना चाहिए, अगर वह भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हमको भी भक्ति नहीं करना चाहिए, आंखों पर पट्टी डाल करके जीवन बिता देंगे, इस प्रकार से तपस्या करके, समझ रहे हैं, कटाक्ष किया जा रहा है कि मान लो पति भक्ति ना भी करे, पत्नी को भक्ति जरूर करना चाहिए, और आप करोगे तो कम से कम एक भक्ति पति जरूर करेगा, वो क्या है, प्रसाद खाने की भक्ति, तो कम से कम एक अगले जन्म में उसको इंसान का शरीर तो मिलेगा, भले जानवर के सारे काम किए उसने जीवन में। महाराज कई बार माता जी लोगों का सराहना करते हैं कि कई बार देखा जाता है कि माता जी तो कथा में आ रही जब कर रही हैं, और मिस्टर जी अभी कुछ और रुख रखते हैं कभी न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, तो एक अच्छी बात है, आप सीख रहे हैं कि अगर भक्त नहीं है, अभक्त के पीछे नहीं चलना चाहिए, अभक्त मतलब भक्ति वाले कार्य कर रहा ठीक है, संबंध का निर्वाह कीजिए, लेकिन जो अभक्ति वाले कार्य कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। खैर एक पॉइंट यहाँ पे सीख रहे हैं, वैसे अगर भक्त है तो झगड़ा नहीं करना चाहिए और उसका अनुगमन करना चाहिए, अगर पति क्लास में आ रहा है तो पत्नी को भी आना चाहिए। आजकल तो वो भी नहीं होता, मुझे स्मरण आ जाता है एक भक्त बता रहे थे कि उनकी पत्नी को डाइनिंग टेबल नहीं ला के दिए, तो लिटरली अपना सर दीवार में मारने लगी, फिर उसको अस्पताल में ले जाना पड़ा उसको। हम नाम तो नहीं बोल सकते, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ना कितना बड़ा दुख है। हमने कहा तो ऐसा क्यों नहीं करती है कि कोई हेलमेट पहना देते हेलमेट सस्ता आता है कि नहीं, हेलमेट पहना देते हैं, मारती रहो सर। हम खाली माता जी के अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की चीजें आज के लोग सोचते नहीं। वैसे ये एक इंपॉर्टेंट बात है, मजाक की बात तो हो गई, भक्ति विज्ञान महाराज बता रहे थे, एक्चुअली उनकी कोई डिसाइपल रही होंगे जो भी है, उनको बोले कि आप अपने पति की सेवा बड़ी, वो विदेशी माता जी थी, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो उनको कहे कि आप अपने पति की सेवा ऐसे करिए बिल्कुल जैसे मतलब
जैसे दासी सेवा करती है, और जैसे उन्होंने वो भाव को स्वीकार किया शी वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि वस्तुतः स्त्री को डिजाइन किया है भगवान ने पुरुष की सेवा करने के लिए। सेवा और समर्पण उनका सहज गुण होता है, उसको त्याग करके आर्टिफिशियली इंडिपेंडेंस बनाई जा रही है। तो ये सेवा का मूर्तिमान स्वरूप है गांधारी माता की, मेरे पति अगर देख नहीं पा रहे तो मैं भी कुछ नहीं देखूंगी। अब मैंने कुछ सुना है, मैं इसको कुछ कह नहीं सकता, पक्का है बात है, कि जब वो पति की सेवा करती थी तो वह पट्टी हटा देती थी, नहीं तो पति की सेवा कैसे करती, लेकिन हम कुछ कन्फर्म नहीं कर सकते, खाली सुनी भवती थी सुश्रमा। अब पता नहीं आंखें पट्टी डाल के पति की सेवा कैसे करती होंगी, हम नहीं जानते, और इतना कोई डिटेल जानने की हमको जरूरत भी नहीं है, लेकिन वो तो महाभारत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बात सत्य था कि वह किसी को नहीं देखती थी एक्सेप्ट अपने पति के अलावा, किसी की सेवा भी नहीं करती थी, ये भी सोचती भी नहीं थी कि मैं श्रेष्ठ हो जाऊं उससे, इस प्रकार की भावना। ठीक है, देखिए इस पे लोग अगेंस्ट तो जरूर जाएंगे, लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट एटीट्यूड जो कल्टिवेट किया गया है उसका नतीजा क्या है। नतीजा है डाइवोर्स। हम वैदिक सभ्यता के जितना दूर जाएंगे उतना देखिए गड़बड़ हो रहा है, और केवल माता जी का धर्म नहीं, पति का भी धर्म है कि अच्छा भक्त बने, वो उसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही हो पा रही अलग बात है। तो सहज रूप से पति सेवा करती है और उसको सम्मान भावना भी होती है, देख लीजिए कर्दम्बुनि और देवहूति कितना सम्मान की भावना थी, है कि नहीं। खैर जो भी है, ये समझना होगा कि धृतराष्ट्र भी बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति थे, ऐसे कोई मतलब ठीक है उनका आसक्ति थी दुर्योधन के प्रति, अन्यथा वो खराब व्यक्ति ही हूँ ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, पत्नी का हमने पढ़ दिया था इसको। अतएव वे अपने कार्यों से महान तपस्विनी थी, तो ये तपस्विनी का समझ में आया, पूरा जीवन अंधत्व में बिता दिया क्योंकि पति जो है अंधे थे, ये बहुत बड़ी तपस्या है कि नहीं। आंखों से देखना ये बहुत बड़ा सुख है। मुझे हम लेक्चर सुन रहे थे भक्ति विज्ञान महाराज के, कह रहे थे एक रूम में सब कुछ व्हाइट पेंट कर दिया जाए और आपको वहां पर डाल दिया जाए तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे आंखें कुछ रस अनुभव करना चाहती हैं, पीली अलमीरा, ब्लैक स्पीकर, व्हाइट लाइट, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, हम अलग अलग रूप देख रहे हैं और उससे हमको हमारी आंखों को अच्छा लगता है। तो जब कुछ जबरदस्ती कुछ मतलब स्वेच्छा से आंखें बंद कर ले, ये बहुत बड़ी तपस्या है कि नहीं, तो इसलिए तपस्विनी कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त अपने 100 पुत्रों तथा पौत्रों के सामूहिक वध से उन्हें अवश्य ही गहरा आघात लगा होगा जो किसी भी स्त्री के लिए दुस्तर है। ये समझ रहे हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके बेटे भी मारे गए थे, ये सोचे हैं कि भूल रहे हैं इसको, जो दुर्योधन के भाई थे और दुर्योधन उनके बेटे भी मारे गए थे, इधर भी पांडवों के बेटे मारे गए हैं, वो सब युद्ध कर रहे थे तो वह भी मारे गए थे, तो उनका भी दुख होगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटे से तो प्रेम होता ही है, बेटी से भी होता है, लेकिन नाती पोतों से बहुत ज्यादा होता है, तो वो सब मारे गए तो कितना दुख हुआ होगा, तो उसको सहन कर रही थी। अवश्य गहरा आघात लगा होगा जो किसी भी स्त्री के लिए दुस्तर है, लेकिन उन्होंने तपस्विनी की भांति यह सब कुछ सह लिया, जैसे कि कोई तपस्वी जंगल में जाके तपस्या करता है, बारिश आती घाम आता है सहन कर लेता, वैसे उन्होंने सहन कर लिया। स्त्री होते हुए भी गांधारी का चरित्र भीष्म देव से किसी तरह कम नहीं था, ये दोनों महाभारत में सुप्रसिद्ध चरित्र है। ठीक है, और कुछ व्याख्या मुझे नहीं करनी, आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें राज्य के बारे कैसे किया उसके बारे में बोल रहे हैं, राज्य किया इसके बारे में बोल रहे हैं, मेरे पीछे बोलिए। पित्रा चानुमतो राजा, पित्रा चानुमतो राजा, वासुदेवानुमोदितः, वासुदेवानुमोदितः, चकार राज्यं धर्मेण, चकार राज्यं धर्मेण, पितृपैतामहं विभुः, पितृपैतामहं विभुः। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। पित्रा चा अनुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः, राजा अर्थात राजा युधिष्ठिर ने पित्रा अर्थात धृतराष्ट्र, पिता तो उनके पांडु पहले ही मर चुके हैं, तो पित्रा अर्थात धृतराष्ट्र यानी कि उनको पिता की तरह गार्जियन की तरह मानते हुए उनकी अनुमति से, बहुत ध्यान से देखिए शब्द क्या लिखा है, अनुमति से धृतराष्ट्र जी ने कहा कि नहीं बेटा तुम ही इस राज्य के
राजा हो, मतलब प्रॉपर व्यक्ति हो, तुम ही राज्य करो, हमारी अनुमति है, आप लीजिए। देखिए कभी नहीं सोच रहे कि राज्य हमारा, बोला तुम कौन है बुढ़ा। आप देख लीजिए औरंगजेब क्या किए, अपने ही पिता को मारे तो नहीं, बंदी बना दिए, कितना अंतर देख रहे हैं। और अच्छा ये बताइए, क्या युधिष्ठिर महाराज को याद नहीं कि इनकी जब पत्नी की बेइज्जती हो रही थी तो ये कुछ नहीं बोले थे? वस्तुता कोई और होता तो तुरंत बंदी गृह में डाल देता है कि नहीं, बिल्कुल निकाल देता, जाओ मरो जा करके, ऐसे ही तो करता, इज इट नॉट। कुछ नहीं वो बोले थे, और उसके बाद फिर बुलाए थे। आपको पता है जब माता द्रौपदी शाप देने वाली थी तो धृतराष्ट्र महाराज डर गए, कहा नहीं तुम सब राज्य वापस ले लो, राज्य वापस कर दिए तो दुर्योधन गुस्सा हो रहा था, जान नहीं रहे कितनी मुश्किल से राज्य कमाया था। वो बोलते हैं दुर्योधन तो धृतराष्ट्र को कहते कितने मुश्किल से राज्य कमाया, सब आपने गंवा दिया। फिर उनको बुलाते, फिर जब चौसठ खेलते हैं, फिर उसके बाद 12 साल के लिए उनको वनवास देते हैं। दो बार खेलाते, ध्यान नहीं दिया आप, दो बार। तो ये सब किसकी आज्ञा से हो रहा बताइए? धृतराष्ट्र की आज्ञा से। और उससे पहले भी कितना जहर दिया गया, मारने का प्रयास किया, लाक्षाग्रह भेजा गया, क्या इस बात को युधिष्ठिर महाराज नहीं देख रहे हैं? ये जानते नहीं क्या, आप समझ रहे हैं बताइए? ये इस गुण को बहुत मुश्किल है, किसी को अपना शत्रु नहीं मान रहे। जिस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति के ट्यूटिलेज इंग्लिश में कहते हैं, जिनके अंतर्गत इतना उनके प्रति अन्याय हुआ, उनके लिए बोल रहे हैं पित्राचानुमतो राजा, उनकी अनुमति से वह राज्य को स्वीकार किए। अनुमति मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए पूछे प्रो जी ये माउस ले सकते हो? हाँ मैं ले, आप ले सकते हो। इस प्रकार से क्या मैं राज्य करूं? हाँ आप राज्य कीजिए। इस प्रकार से बहुत सुंदर गुण युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे हम सीख रहे हैं, कितना सुंदर कल्चर है इसके अंदर। और वासुदेवानुमोदित, अर्थात भगवान कृष्ण भी उनको अनुमोदन की नहीं, आप ही राज्य, राजा बनने के योग्य है, राज्य कीजिए। चकार मतलब ने किया, राज्यम धर्मिणा, धर्म से राज्य किया। महाराज इसमें बहुत अच्छा बोल रहे हैं, देखिए आजकल किस प्रकार से राज्य हो रहा है, बिल्कुल अधर्म से राज्य हो रहा है। प्रभुपाद जी भी इसको बोलते हैं, आपने कभी विचार किया है कि कोई व्यक्ति अगर गरीब परिवार में पैदा हो जाए तो पढ़ भी नहीं सकता ठीक से, है कि नहीं? और मैं आज रिफ्लेक्ट कर रहा था कि वस्तुतः अगर मान लीजिए सरकारी, एक सिंपल सी बात है, सरकारी स्कूलों में जो भी पढ़ाई हो रही है, अगर सरकार थोड़ा सख्त हो जाए तो इतना कठिन नहीं है पढ़ाना। टीचर्स को भी एमटेक नहीं, मतलब बीएड वगैरह तो कर ही रहते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी बहुत एजुकेशन की जरूरत होती है? पढ़ा जा सकता है, पढ़ाना ही नहीं चाहते, है कि नहीं? और इसमें सरकार का ही दोष है। और पैसा कितना दिया जा रहा है, 60-60, मतलब मैं 50,000-60,000 रुपये पढ़ाते बिल्कुल भी नहीं। और वो छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी जो अगर शिक्षा प्राप्त भी हो रही, वो भी कितनी कंडम शिक्षा प्राप्त हो रही, किसी को गीता भागवत के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं एक भक्त को बोल रहा था, भक्त के भाई को बोल रहा था, आपको पता है कि जो व्यक्ति 6 बजे खाना खाता है, संध्या के समय खाना खाता है, उसकी उम्र कम हो जाती, किसी भी संध्या के समय, सुबह 6, 12 और 6। आपको पता है कि जो व्यक्ति सूरज उगने के बाद उठता है, ये भीष्म पितामह की उक्ति, उसकी उम्र कम हो जाती नहीं? हमने कहा भक्ति की बात आगे छोड़िए, आप इतना बेसिक बात भी नहीं बताया है कि रात में देर तक नहीं जगना चाहिए, दिन में सुबह जल्दी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, कि ये भी शिक्षा बताइए। यहाँ पे जितने लोग पढ़ के आए हैं, एक व्यक्ति को किसी टीचर ने बोला हो? कोई नहीं बताता, इज इट नॉट? वो खुद ही 8 बजे उठ के आ रहा है, 7 बजे उठ के आ रहा है चाय पी करके, ये हमारे कॉलेज में सिगरेट फूंक करके दरवाजे के बाहर सिगरेट फूंक करके घुस रहा है धुएं के साथ। ये आंखों से देखी बात है, महक आती थी मेरे को सिगरेट की, मैं कैसे लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, वो भी भारत का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज। तो चरित्र का क्या निर्माण हो रहा है? अच्छे अच्छे लड़के, ब्राह्मण पढ़वा के लड़के मेरे कॉलेज में देखा, अरे अमेरिका जाओगे क्या खाओगे, चलो मांस खाना शुरू करो। ये एकदम दृष्ट है, ब्राह्मण परिवार के लड़के, एकदम भोले भाले मासूम, बिल्कुल बर्बाद हो गए लड़के। हम मंगल आरती के लिए जा रहे हैं, रात में से फटी पैंट पहन करके सिगरेट पीते हुए आ रहे हैं। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से शिक्षा का बिल्कुल चरित्र निर्माण है ही नहीं। मेरे ऑफिस में जैसे बहुत बोल रहा हूँ कि किस प्रकार से शिक्षा ही समाप्त की है, अधर्म का राज चल रहा है इस समय। हमारे एक ऑफिस में एक व्यक्ति आए, वो माता जी थी और वो शायद राजस्थान में कहीं उच्च पोजीशन पे है एजुकेशन की। तो मैं जानबूझ के पूछा एजुकेशन का पर्पस क्या है, तो बोले कि चरित्र निर्माण। हमने कहा आप मॉरल साइंस के कितने पेपर होते हैं, कितनी क्लास होती है? जानबूझ के पूछा, कहते एक भी नहीं। हमारे ज़माने में इस हफ्ते में एक होती थी और उसमें भी उसके नंबर नहीं होते थे तो उसको हम पास कर देते थे, ऐसे ही याद आ रहा है। और अब तो शायद वो भी समाप्त कर दी है ना, नीति शिक्षा समाप्त है कि नहीं? तो आप ये देख सकते हैं कि इस प्रकार की धर्म शिक्षा इस प्रकार से अधर्म का राज नहीं करते। इसीलिए हर जगह, चाहे वो
वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण, कोई व्यक्ति नीति के अनुसार नहीं कर रहा है कि नहीं? क्या नीति? बस एक ही नीति है कि पैसा कैसे आ जाए, बस। बिजनेस करना कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि साबुन दूध की जगह साबुन का पानी बेचना, यह तो कोई धर्म नहीं है ना। और लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म के अनुसार कोई कार्य करते व्यक्ति की उन्नति अपने आप ही होती है, ये दिमाग में घुसता नहीं लोग। एनीवेज, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं उसके पहले, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि धर्म के अनुसार कर रहे थे, और धर्म के अनुसार कर रहे थे तो क्या लाभ हुआ, तो हम अगले चैप्टर में सुनने वाले हैं। मानव जीवन की जो भौतिक क्या कह सकते संपन्नता है, वह भी हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, देवताओं के द्वारा दी जाती है, पृथ्वी के द्वारा दी जाती है, भगवान के द्वारा दी जाती है, तब व्यक्ति सुखी होता है। देवान भावयतानेना ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तु श्रेयः परम वाप्स्यतः। अगर हम यज्ञ करते हैं तो देवता हमको सारी भौतिक सुख सुविधा देते हैं, क्योंकि वह उस यज्ञ से संतुष्ट होते हैं। यहाँ पे आपको जल देते हो तो उनको बहुत वस्तु प्राप्त होती है वहां पे। तो इस प्रकार का सिस्टम भगवान बनाए, तो ये सब जो है वह करते थे, धर्म के अनुसार करते थे। कैसे करते थे? पितृपैतामहं विभो। पितृपैतामह तो मतलब परंपरा में जो पूर्व जैसे आज तक करते आए हैं वैसा धर्म कर रहे हैं। वैसे गलत तो नहीं, आजकल के जितने पॉलिटिशियंस हैं वह भी पितृपैतामह जैसे उनके पितरों ने लूटा है, पितामह ने लूटा देश को, वैसे वो लूट रहे हैं स्वाभाविक सी बात। तो अब खरीद मजाक की बात हुई, लेकिन एक्चुअली पूर्वजों के अनुसार जैसे पूर्वजों ने यशस्वी राजाओं ने राज्य किया था पूरे विश्व पे, उस प्रकार से धर्म के अनुसार राज्य किया, तो ऐसा कैसे कर पाए? तो कह रहे विभू अर्थात वह समर्थ है, महान थे। हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते कि दुष्ट महाराज जैसा राज्य किसी का होता तो क्या होता। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को अपनी तात्पर्य में उदन परमपुज लोकनाथ महाराज बता रहे थे, पढ़ रहे थे कैसे कि अब आजकल की एजुकेशन सिस्टम से केवल व्यक्ति का क्या रोज बेरोजगारी बढ़ रही है बस। खैर, पित्रानुमत अपने धृतराष्ट्र, अपने ताऊ धृतराष्ट्र की आज्ञा प्राप्त करके, इसकी व्याख्या मैंने कर दी, वासुदेवानुमोदित च तथा भगवान श्री कृष्ण से अनुमोदित होकर विभु अर्थात महान राजा रतधिष्ठिर पितृपैतामहम पिता तथा पितामह की परंपरा से प्राप्त राज्यम अर्थात राज्य का धर्मेणा राज नियमों के सिद्धांत अनुसार चकारा अर्थात प्रशासन करने लगे। स्पष्ट समझ में आ रहा है? बाल प्रबोधनी, भगवत अनुग्रह से उनमें सारे राज्य निर्वाहक गुण थे और सभी दोषों का अभाव था, इसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं विभु अर्थात समर्थ। आपने यहाँ पे श्लोक में क्या देखा? वासुदेवानुमोदित, भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि वो राज्य करे और इस कारण से भगवान उनको शक्ति प्रदान की ताकि पूरे विश्व में ना सिर्फ राज्य करें अपितु धर्म के अनुसार राज्य करें, ताकि सभी लोग भगवान की भक्ति की ओर प्रवृत्त हो। ये बहुत बड़ी बात है। महाराज क्या बोल, हाँ महाराज बात बहुत सुंदर बात कह रहे थे, आज सुबह बता रहा था कि देखिए पालन का अर्थ ये नहीं है कि केवल रोटी कपड़ा और मकान देना, पालन का अर्थ यही है प्रपास को बोलने कि सारी प्रजा भगवान की ओर उन्मुख हो, भक्ति की तरफ बढ़े, और जो बात राजा पे घटित होगी वही माता पिता पे और गुरु इत्यादि पे देवता पे भी घटित होगी। अगर आप किसी से कोई भी सम्मान ले रहे हो, उसके सुपीरियर हो और आप उसको भगवान की ओर उन्मुख नहीं कर रहे, समझ रहे हैं, तो ये भगवान से प्रसन्न बिल्कुल नहीं होते। और उसका उल्टा भगवान के शब्द हैं मल्लोक कामः, यदि हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, सूचित कितना सुंदर शब्द है मल्लोक कामः, भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं कि यदि मेरे वैकुंठ को प्राप्त करना चाहता है तो जैसे मैं शिक्षा दे रहा हूं तुमको, ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि ऋषभदेव जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे धाम की प्राप्ति करना चाहता है तो उसको वैसे ही उपदेश देने चाहिए जैसे कि मैं तुमको दे रहा हूँ। और क्या उपदेश है कि बेटा मानव जीवन को उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, उसके लिए दिव्य तपस्या करके अपने हृदय को शुद्ध करना, भोगों में नहीं जाना। सिंपल टीचिंग से, कोई कठिन शिक्षा नहीं देनी, तात्पर्य। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर ने नियोजित किया लोगों को। कितना दुख लगता है ना, कभी कभी हम देखते हैं किसी परिक्रमा में लोग डिस्को बजाते हुए जा रहे हैं। यार देखा था हम लोग किस प्रकार से गुरु वो पूजा कर रहे थे और ऐसा डिस्को बजा रहे थे कि लगता है
धूम 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 वृंदावन धाम में, बताइए क्या कर सकते। महाराज इष्टर मात्र कर संग्रह करता ना थे, कितना ओपन ओपनिंग शुरू, कितना जबरदस्त है। आजकल गवर्नमेंट कर कर तो मतलब एकदम चूस लो भैया, कोई 1% जो है पैसा ना रह जाए, इस पे बहुत वह उत्साहित है, लेकिन उसके बदले में देने के लिए कुछ भी उनके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, देंगे क्या ये बताइए, कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। वे राजा के कर्तव्य के प्रति सदैव सचेष्ट रहे, क्योंकि राजा पिता या गुरु से कम नहीं होता। देखिए एक बात महाराज बहुत सुंदर कह रहे थे कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है होती है, जे राजा प्रजा दुखारी से नृप नरक अधिकारी, ऐसे वह राजा निश्चित रूप से नरक में जाएगा, क्योंकि जो भी प्रजा पाप करेगी उसका 1/6 हिस्सा राजा को मिलेगा। तो ये मंत्री जो बनते हैं और जो मतलब अलाउ करते हैं लोगों को मांस खाने शराब पीने के, सोच रहे हैं कि 1/6 कितना हो गया, 100/6 कितना परसेंटेज निकलेंगे, 12% GST और 16% पाप PST पाप समूह टैक्स, ये अच्छा है, PST भी मिलेगा उनको, पाप समूहों का टैक्स मिलेगा, क्यों मना नहीं किए, तो हमारा अधिकार था। आज अगर गवर्नमेंट बोल दी गो हत्या बिल्कुल बंद, हर प्रकार के कसाई खाने बंद, ना सिर्फ गो हत्या, बकरी बकरी भी सब बंद काटना, पोल्ट्री फार्म बंद, तो कौन क्या कर लेगा बताइए, जब हम लोग को रूम में बंद कर सकते हैं 1 साल के लिए, तो क्या पोल्ट्री फार्म नहीं बंद कर सकते, सोचा है कभी, संकल्प ले लिया प्राइम मिनिस्टर ने कि बंद करना है तो बंद करना है। मैंने सुना से बिहार में शराब बंद है, बंद कर दिया यूपी में, बहुत अच्छी बात, मथुरा बंद कर दिया एटलीस्ट, तो यहाँ तो ये जो दुकान थी अभी खुली एनआईरेकिन के बगल में जो धर्मशाला सॉरी धर्म क्षेत्र बंद नहीं हुआ, बंद हो जाएगा ठीक धर्म क्षेत्र अच्छा 10 किलोमीटर वृंदावन वृंदावन के 5 किलोमीटर में नहीं तो आप खैर जो भी है हम देख रहे हैं कि इस ये कारण जनते क्या है, कारण ये है कि जो धर्म की सूक्ष्म दृष्टि है कि आप आज ये कार्य कर रहे हो इससे आगे क्या होगा, ये एकदम लुप्त है। हम लोग को तो इतना पता है कि भगवान का प्रसाद भी नहीं ग्रहण करेंगे, दाल चावल ही खाएंगे मान लो, और वो भगवान को अर्पित नहीं है तो हमसे बंधन में पड़ता है, सब भक्तों को पता है कि नहीं, कुछ भी वस्तुओं को देता है आपको पूछते हो भाई भगवान का प्रसाद है कि नहीं, ये धर्म दृष्टि है कि नहीं, दिखाई तो नहीं आपको, देखने से तो नहीं मालूम चल रहा है कि भगवान को अर्पित है कि नहीं। देखिए इस प्रकार की धर्म दृष्टि शास्त्र दृष्टि का लोप हो जाने के कारण कहते कुछ भी खाओ कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, ये बात है। और ये देखने का अधिकार राजा का है, क्योंकि प्रजा तो अंधी ही होती है, मेक सेंस। राजा को प्रजा की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक तथा आध्यात्मिक उत्थान के सभी दृष्टिकोणों से भलाई देखनी चाहिए, कौन कौन से दृष्टिकोण देख लीजिए, सामाजिक, सभी लोग सामाजिक रूप से व्यवस्थित हो, वैश्य ब्राह्मण शूद्र इत्यादि सभी लोग अपने अपने हिसाब से कार्य करें, राजनीतिक कोई बाहर से आक्रमण नहीं हो, आर्थिक सभी की सभी को कोई भूखा नहीं मरे, सबकी व्यवस्था ठीक से बने, और मुख्य बात है आध्यात्मिक उत्थान सबका हो। यहाँ पे मुझे परम पूज्य गौर गोविंद महाराज की बात याद आती है, मैंने भक्तों से सुना कि जैसे देखिए कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम कभी कभी तो लोग अपनी जमीन बेच के भी उसको बचाने के लिए पड़े, हमारे भक्त हैं जिनके पिताजी को कैंसर हो गया था, मरना निश्चित था, जमीन बेच करके उनका इलाज करवा रहे थे, क्या उतने आग्रह से व्यक्ति प्रचार के लिए धन खर्च करना चाहेगा, जबकि ये कार्य सबसे ज्यादा लाभकारी है, इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे अधिक लाभ है। किसी को प्रसाद खिलाइए, किसी को जप कराइए, जप माला जो भी कुछ भगवान के आध्यात्म की तरफ मोड़िए, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ी कोई भी सेवा नहीं है, कुछ भी कह दिए इससे बड़ा कोई दान नहीं है, इससे बड़ी कोई चैरिटी नहीं, इससे बड़ी कोई सहायता नहीं। तो राजा का इसलिए आवश्यक था कि इस प्रकार का प्रचार करे। मैं कई बार बोला करता हूं कि मान लीजिए प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं उसको IAS के लिए कंपलसरी कर दीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा प्रवचन करते हैं,
पी जाएंगे, हम लोग तो याद भी नहीं है, लोग पी जाएंगे लेफ्ट राइट सेंटर सारे श्लोक सब याद कर लेंगे, 5000 श्लोक भी याद कर सकते हैं, समझ लीजिए जो आईएएस में जाना चाहते हैं 5-6 हजार श्लोक याद कर लेंगे, पी जाएंगे लोग पूरा रात दिन, सोचे 18 घंटे भागवत पढ़ रहे हो वो आई वैसे हो सकता हो कि आईएएस की तैयारी करना ही छोड़ दे, लेकिन ये सत्य बात है कि जितना वो पढ़ते हैं गंभीरता से केवल कचरा पढ़ते हैं। पहली बात तो ये, उन्हें क्या धर्म का ज्ञान होता है, कोई भी धर्म ज्ञान नहीं, वो एकदम वैसे ही सामान्य मनुष्य हैं जैसे और कोई भी व्यक्ति, बुरा मान जाएगा कोई व्यक्ति, लेकिन उसे कोई धर्म ज्ञान नहीं है, अपना ही नहीं ज्ञान है तो दूसरे क्या बताएगा, बताइए। ठीक है, तो अगर इस प्रकार, और अच्छा ये बताइए कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, भगवान ने क्या व्यवस्था बनाई थी कि राजा को भगवत गीता आनी चाहिए, इमम रजर्षियो विदुहो, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। और परीक्षित महाराज को भागवत आती थी, हम ऐसे मजाक में नहीं बोल रहे हैं, राजा और जो लीडर थे प्रभुपाद जी पृथु महाराज के प्रसंग में बोलते हैं राजा को शास्त्र का ज्ञान होना ही चाहिए। क्या नाम था महाराज दुर्वासा मुनि से, अम्बरीश महाराज, कोई नहीं सोच पाए कि क्या करना चाहिए, पानी लेना चाहिए कि नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो अपने ही धर्म शास्त्र के ज्ञान के द्वारा बोले पानी पीना व्रत तोड़ना है भी नहीं भी। तो ऐसा नहीं कि कोई मैनेजर है तो कोई मतलब मैनेजर मतलब लीडर पोजीशन पे तो शास्त्र छोड़ कर करे, वह अपराध करेगा ही करेगा ही करेगा ही, राग द्वेष पे चलेगा ही चलेगा ही चलेगा ही। मैनेजर होने का अर्थ यह नहीं है कि शास्त्र छोड़ करके मैनेजमेंट कीजिए, देख रहे हैं यहाँ पे वासुदेवानु अनुमोदित पितृ पैतामह पूर्वजों ने जिस प्रकार से राज्य किया सेवक की भावना में राज्य किया, राजा है लेकिन भावना सेवक की है, समझ रहे हैं बात कि ये राज्य जो है भगवान का है, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं राज्य कर रहा हूं, तो ऐसा राज्य राजा जो राज्य करेगा वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कि यानी राजा भगवान क्या चाहते हैं कैसा राज्य हो वैसे करे धर्म के अनुसार। ठीक है, राजा को जानना चाहिए कि मनुष्य जीवन बद्ध आत्मा को भौतिक बंधन से मुक्त करने के लिए, अतः उसका धर्म है कि वह प्रजा की ठीक से देखभाल करे जिससे प्रजा सिद्धि की चरमावस्था को प्राप्त कर सके। अब इसको हाईलाइट हम क्यों किए, भारत मुक्त हुआ और धर्म निरपेक्ष हो गया, और वस्तुतः धर्म निरपेक्ष नहीं धर्म उपेक्ष हो गया। आजकल अब किसी भी शैक्षिक संस्था में मतलब पढ़ाने के एजुकेशन सोसाइटी में हम जाएंगे प्रचार करने के लिए तो कहेंगे धर्म के बारे में मत बताओ। मेरा सच्ची घटना है, हम एक कॉलेज में प्रीचिंग करने के लिए गए जहाँ हफ्ते में केवल एक कार्य क्लास होता था 1 घंटे का, कुछ कीर्तन कराया कुछ भगवान के बारे में बताया, तो एक व्यक्ति ने हमको सबको मूर्ख बना दिया, आया उसने वीडियो बनाना चालू कर दिया, हमें लगता हम लोग सोच रहे थे इसको लग रहा है क्लास बड़ी अच्छी लग रही है, बाद में वीडियो बना के उसने केस ठोक दिया और घर में उसने बोला कि ये हमारे बच्चों को ब्राह्मण बनाना है। ब्राह्मण अगर बना भी रहे हैं तो कितने बुरी तरह से बोल रहा है, ब्राह्मण बनाने के बच्चे हमारे भेजा। इस प्रकार की मति लोगों की कलयुग में हो गई है कि नहीं, कितने आश्चर्य की बात है। एक बात यहां पे और ध्यान देने वाली है कि दूसरों के मतलब अनुगत्य में राज्य कर रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, भगवान के अनुगत्य में पूर्वजों के अनुगत्य में कैसे उन्होंने राज्य किया उसके तरह उस तरह से राज्य कर रहे हैं ताकि प्रजा अंततोगत्व सभी लोग वर्ण और आश्रम में सिस्टम में रहकर भगवान की भक्ति कर सके। अतः पुंबी द्वजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठतस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम्। हे इसको हम सुन चुके सूत को स्वामी जी बोलते हैं शौनक आदि ऋषि को कि हे शौनक ऋषि ये समझ लीजिए कि जो भी वर्णाश्रम की व्यवस्था है ढांचा है जो फ्रेमवर्क है उसका उद्देश्य यह है कि उससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हो। तो ये राजा को पता होता था कि जो भी ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्यूद्र हो सभी लोग भगवान को संतुष्टि के लिए कार्य करें, इसलिए तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतांपति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च धेयः पूजश्च चरितः। इसलिए एक मन से व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनना चाहिए बोलना चाहिए स्मरण करना चाहिए पूजा करना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, राजा का ये कर्तव्य था कि सेकंड श्लोक का व्यवस्था बने, लोग अपनी वृत्ति पर कर्मों के अनुसार कार्य करें कोई बात नहीं, लेकिन उनको भगवान के बारे में सुनना का मौका दिया जाना चाहिए था। तो ये बात वहां से सब कुछ आ रही है कि पालन करना करना ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है शिक्षा देना। और इस पर मैं बहुत रिफ्लेक्ट करता हूँ कई बार कि हमारे मंदिर में भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो एक छोटे बच्चे की तरह कि नहीं आध्यात्मिक रूप से,
ऐसे नटवर प्रभु आपकी बच्ची जो जन्म हुआ तो आप खाली यही सोच रहे थे बस रोटी खिलाएंगे उसको, चावल खिलाएंगे और क्या दालमा खिलाएंगे। बताइए आप लोग क्या सोच रहे थे, केवल खिलाएंगे खाना? खाना खिलाना जितना महत्वपूर्ण है उससे ज्यादा आप लोग समय शिक्षा पे व्यतीत करते हैं। गलत तो नहीं बोल रहे, खाना बच्ची कितनी देर खाती है? आधा घंटा, फिर दोपहर में अगर आधा घंटा, और पढ़ाई कितनी देर करती है? मैं कहता हूँ समझता हूँ 4-5 घंटा तो कम से कम, 6-7 घंटा। हर माता पिता को चिंता रहती है कि उनके बच्चा ठीक से पढ़ लिख करके सभ्य हो जाए, गलत तो नहीं कह रहे। अब आप सोचिए कि भक्ति में आने के बाद कितनी शिक्षा की जरूरत है। डजंट मेक सेंस। बच्चे, मैं एक प्रभु जी थे उनको मैंने कहा गुड बॉय, उनसे बड़े हैं 60 साल के, मजाक में बोल दिया, लेकिन मजाक में नहीं बोल रहे थे। वह भले अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बहुत प्रवीण माने, मेरे हिसाब से बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। वो देखने में भले ढांचा शरीर का कुछ भी हो, वृद्ध हो चाहे कुछ भी हो, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवीण नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि डेवलप नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटे बच्चे की होती है। तो मैं खैर विनोद में बोला, मैं ठीक है आपको हम प्रभु जी ही बोले, कोई दिक्कत नहीं, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन नहीं दिख रहा है कि मैं ये कार मेरा कब्र में पांव लटके हुए हैं, अब केवल भक्ति करनी चाहिए। जैसे छोटा बच्चा अबोध होता है उस प्रकार से, मैं केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल सभी को कुछ समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। लोग नहीं समझते हैं कि कल वह कुत्ते के शरीर में जन्म ले सकते हैं। बिल्कुल बच्चा जैसे रोड क्रॉस कर रहा है, पता नहीं ट्रक आके उसको मार सकता है कि नहीं। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूं, बड़ी मेहनत करके हाउ टू से दैट, सभी को चाहे माता पिता हो चाहे सबको आध्यात्मिक शिक्षा के अनुशीलन के लिए प्रयास करना चाहिए। जो भी उनके अनुगत में शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो सुपीरियर बनने का अधिकार ही नहीं, समझ रहे हैं। और बहुत जैसे आप देखो छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी पड़ती है, कोच कोच के पढ़ाना पड़ता है, इस प्रकार से एक बार में नहीं समझ जाते। भगवान बोल बीते हैं आप शिक्षा दीजिए, लेकिन यदि कभी वह शिक्षा का पालन ना कर पाए तो गुस्सा मत होइए। कुछ समझ में आया? आध्यात्मिक शिक्षक को भी शिक्षा देनी चाहिए और देते ही रहना चाहिए, चुप भी नहीं रहना चाहिए। ये नहीं कि आप तो सुन ही नहीं रहा तो छोड़ दो, बोलते रहना चाहिए। कभी कभी वो ना भी पालन कर पाए, मैं आप धीरे धीरे समझेंगे कि कुछ कुछ बातें तो सुन तो लेता है लेकिन घुसता भी नहीं दिमाग में कि बोला क्या गया है। वो जब करता रहेगा, प्रसाद खाता रहेगा, सुनता रहेगा, धीरे 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 करके उसको समझ में आएगा। एक भक्त को मैं बता रहा था, नाम नहीं रख रहा हूं, कि बेटा तुम सीधे बैठ करके घुटने के पास हाथ रख के जप करो। 2 साल के बाद बोले प्रभु जी तक अच्छा बताया आपने। 2 साल के बाद उनको समझ आया कि हाँ तो आप अच्छा बता रहे, तो काम करता है, नींद नहीं आती। 2 ईयर्स इट टुक हिम टू अंडरस्टैंड द सिंपल पॉइंट। आध्यात्मिक चीजें घुसती नहीं दिमाग में, एटलीस्ट धीरे धीरे घुसती हैं। तो मैं खाली बोल रहा था कि शिक्षा देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, महाराज और भी आध्यात्मिक शिक्षा। महाराज युधिष्ठिर ने इन नियमों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि अगले अध्याय से पता चलेगा उसका क्या प्रभाव हुआ वो भी देखेंगे वाले आप। उन्होंने न केवल नियमों का पालन किया अपितु अपने वृद्धताओं की सहमति भी प्राप्त करी जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे। ये आपको आप लोग रहा मैंने इसे लाल क्यों किया, जरा हम अपने एटीट्यूड को देखें। हम कुछ भी करते हैं, कितना हम अपने श्रेष्ठ वैष्णव हैं उनके अनुगत्य में करते हैं। मैंने ऐसा कह रहा हूं कि आप करते ही नहीं हो, लेकिन क्या ये एटीट्यूड है या नहीं है? ये मैंने देखा अपने जीवन में कि हम जो सेवा भी करते थे, अभी भी जो कर रहे हैं, हमारे सुपीरियर सनक सनातन प्रभु हैं, उनकी मशवरा लेकर हमेशा करते रहते तो कई बार जो गलतियां होती हैं उससे हम बच जाते। ये सोचना कि ये इस पीछे समझे इस बात को, हमारे मन की प्रवृत्ति होती है किसी विषय को पकड़ लेता है और हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं। आप ऐसा अनुभव करते हो? एक बार जरूर किसी अधिकारी व्यक्ति से उसको पूछ लीजिए, नहीं तो बर्बाद हो सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा एक स्टूडेंट था, मुसलमान से शादी करने चला गया, कलमा बोलते हैं, कलमा पढ़ने लग गया। वो तो उसने किसी तरह से एक फोन कर लिया और आप जानते हैं कि उसको मैंने चिली सॉस खिलाया। मैंने कहा भाई लड़कियां तो सभी जैसी होती हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें अंतर क्या? तुम्हें और कोई लड़की नहीं मिली? तो बच के वापस आ गया, पता नहीं भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देख रहे कितने व्यक्ति अंधकार में चला जाता है, और अच्छा खासा डिवोटी था, जानते होंगे उसकी बात कर रहा हूं। ये सभी लोग कल्टिवेट करें,
कम से कम एक व्यक्ति जरूर होना चाहिए और वो बुद्धू नहीं होना चाहिए। हाँ कर लो शादी मुसलमान से, कलमा पढ़ने में क्या दिक्कत है। नहीं, पूछ लेना चाहिए कि भाई हम कर रहे हैं क्या, सही है कि नहीं। अरे कलमा मतलब मुसलमान, जैसे हम लोग गीता पारायण करते हैं कुछ पढ़ते होंगे, कलमा क्या होता है कुछ तो मुझे भी पता नहीं क्या होता है, कुछ तो होता है। पूछ के करना चाहिए, बहुत लोग गलत मतलब क्या कर सकते हैं, नुकसान उठा जाते हैं। अब एक भक्त को सुबह में डांट लगाया कि जूम पे तुम वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे हो, महीनों बीत गए उसे, नाम नहीं रख रहे। प्रभु जी हम स्नान करके नहीं आते। तो मैं बोला हूँ कि स्नान करके आओगे तभी वीडियो ऑन करना है। अरे दुनिया में आजकल क्रीम लगा कर पोत के आ जाते हैं, क्या दिक्कत है, उठो भाई मुंह धुल कर क्या जब करो। आप लोग समझ नहीं रहे, आप सब लोग माया की स्पॉटलाइट पे हो। आप इस जगत से, आपको पता चल गया कि जगत से बाहर निकलने का तरीका हरे कृष्ण मंत्र, वो सारे प्रयास कर रही किसी तरह भक्त संग से दूर चले जाओ और नाम जप मत करो। या मत सोचिए कि आप यू आर ऑन द स्पॉटलाइट बॉस, कुछ ना कुछ माया लगी रहेगी। तो मैं खाली बोल रहा था कि एक गुण हम देख रहे हैं यहाँ पे कि भले युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्मराज के पुत्र हैं, कह सकते हैं मैं धर्म से पता है, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र से अनुमति कह सकते हैं, अनुमति बोलते हैं आशीर्वाद नहीं, नहीं क्यों अनुमति मतलब उनके संरक्षण में, गाइडेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, मार्गदर्शन में। तो ये भावना कभी नहीं होनी चाहिए कि मैं सब जानता हूँ, इट विल नेवर वर्क। और मैं तो ऐसा अनुभव किया हूं कि कभी कभी छोटे व्यक्ति, छोटे बच्चे, छोटे से सबके जीनियर्स हैं, वह भी आपको बहुत अच्छी बात बोल सकते हैं। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, हमारे ही गोकुल शेड में हम लोग सोच रहे थे किस प्रकार से लड़ावने को एडजस्ट करें। हमारे ग्वाले ने बोला दीवार में लगा दो, कर लेंगे, और बिल्कुल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जानते होता क्या है, थोड़ी नम्रता भी हमारी प्रदर्शित होती है, हम ही हीरो हैं, हम ही सब कुछ जानने वाले हैं, ये भावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता और लोगों को जरूर दुख देगा। दिस इज द थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये बहुत अच्छा गुण मैं युधिष्ठिर महाराज का देख रहा था, जो राजनीतिक मामलों में अनुभवी थे। तो ऐसा नहीं था कि वो डमी की तरह रह रहे थे, अर्थात धृतराष्ट्र, आप लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, धृतराष्ट्र केवल डमी की तरह नहीं थे, भले वो राज्य नहीं कर रहे थे लेकिन उनके मार्गदर्शन में युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे। और उसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भी की गई, जो भगवद गीता दर्शन के वक्ता हैं, वासुदेवानुमोदितः। महाराज युधिष्ठिर आदर्श राजा थे और महाराज युधिष्ठिर जैसे प्रशिक्षित राजा के अधीन एक राजतंत्र सर्वश्रेष्ठ सरकार है, जो आधुनिक गणतंत्रों या सरकारों से कहीं श्रेष्ठ है। इसको समझ लेना चाहिए कि राजतंत्र क्या बोलेंगे, इज नॉट इंग्लिश में कहेंगे क्या उसको, ऑटोक्रेसी टाइप का, मतलब है ऑटोक्रेसी कि राजा जो बोलेगा वो करेगा, लेकिन राजा अपने मनमानी तरीके से कुछ नहीं बोलता था। मंत्री भी हैं और प्रभुपाद क्या बोले, भगवद गीता दर्शन के वक्ता हैं। क्यों बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद की बात, क्योंकि भगवान इस बात को बोलते हैं इमम राजर्षियो विदुहु, इस गीता के ज्ञान को राजियों राजर्षियों को दिए हैं। क्यों दिए हैं, ताकि इस ज्ञान का व्याप्तिकरण या प्रचार पूरे शासन में हो, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना चाह रहे थे। दुर्योधन कभी गीता बांटा था बताइए, कहीं कोई हिस्ट्री में पढ़ाओ कि एक गीता का एक श्लोक जानता हो एक भी श्लोक जानता, ये तो बिल्कुल नहीं जानता होगा कि काम ऐसा करो देशा रजो गुण समत्व नलायक, बिल्कुल नहीं जान रहा होगा, कोई इंद्र संयम तो नहीं ना। तो ये सब चीजें हैं। इस कलयुग में अधिकांश लोग जन्मजात शूद्र हैं, जो निम्न कुल में उत्पन्न हैं, जो ठीक से प्रशिक्षित भी नहीं होते, जो अभागे तथा कुसंगति में रहने वाले हैं। एक एक बात आप समझते ही हैं क्यों शूद्र हैं, क्योंकि कोई गर्भदान संस्कार ही नहीं है। निम्न कुल में उत्पन्न होते हैं सभी, एक्चुअली सभी लोग निम्न कुल हैं, पान खाने वाले, गंदे सर्दन कार्य करने वाले लोग हैं। उन्हें जीवन के परम उद्देश्य का भी पता नहीं रहता। इसको तो बहुत हम कई बार व्याख्या कर ही चुके हैं, बस पूछते रहिए लोगों से। प्रीचिंग करना बड़ा बहुत सिंपल तरीका है, पहले पूछे कि इंसान जानवर में अंतर क्या है, फिर पूछे कि भाई ये जीवन में कष्ट क्या है, पूछे मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं, कोई उत्तर नहीं किसी पास। जैसे एक गाय और बैल या कुत्ता अनभिज्ञ है कि मरने के बाद कहाँ जा रहे हैं, क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं कि लोगों को वैसे ही नहीं जानते, क्वाइट स्ट्राइकिंग इज इट ना।
आप लोग ऐसे देखेंगे ना तो बहुत स्ट्राइकिंग लगता है कि जो भी आसपास हमारे घूम रहे हैं उनको वैसे ही अनभिज्ञ हैं कि मरने के बाद कहां जाने जैसे कि एक पशु। और अगर अभी भी ना हो ना, आप लोग देखना जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है उसकी शक्ल देखना आपको भी। एक बार हमारे हम देखे छोटा बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा था, उसकी टीचर कुछ बता रही थी मच्छर कैसे भगाते हैं। कहा बस यही बताओ। मैं सोच रहा था इसको कुछ पता है कि जन्म मृत्यु के चक्र कैसे भगाते हैं। जस्ट स्क्रूटनाइज, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। मैंने कहा ये टीचर तो पढ़ा तो रही है, इसको कुछ पता है जीवन के लक्ष्य के बारे में। और हम लोगों को भी हमारे टीचर पढ़ा दिए, कुछ भी नहीं पता है। इससे ना कितना अमेजिंग बात है। तो यही प्रपात कह रहे कुछ भी नहीं पता, पशु ही पढ़ा रहे हैं। पशु पढ़ा रहे तो पशु ही बने। ऐसी बात बोलूंगा तो बड़ी कचोड़ने वाली लगेंगी, लेकिन है ना, जैसे पशु कुछ नहीं पता मरने के बाद कहां जाएगा, से हमको भी नहीं पता। मुझे एक बार इसमें विनोद के लिए कहूंगा कि एक बार एक पूरा परिवार आया, नाती से लेकर नानी तक। नाती को पूछा एकदम छोटी बच्चे, बेटा जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें चलो आगे बढ़ते हैं। मम्मी को पूछा, पापा को पूछा, नहीं पता। फिर उनकी नानी तक पहुंच गए, नाना तक पहुंच गए। हमने कहा फिर आप लोगों को में से पढ़ाई कौन किया है? भाई आपके छोटे बच्चे से लेकर जो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बोलता है उससे लेकर के नानी तक किसी को ही जीवन का उद्देश्य पता नहीं, तो आप लोग शिक्षा क्या ग्रहण किए? बहुत गंभीर बातें हैं। स्ट्रक। अतएव उनके द्वारा किए गए मतदान का कोई महत्व नहीं है। जैसे मान लो कोई अब बुरा मत मानेगा, कुत्ते बिल्लियों का मतदान का क्या वैल्यू है? अतः ऐसे गैर जिम्मेदार मतों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी, प्रतिनिधि कभी भी महाराज युधिष्ठिर के समान जिम्मेदार नहीं हो सकते। इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुतः वो बोलते भी हाथ जोड़कर, एक बार इंद्रिय तृप्ति की सेवा का मौका अवश्य दें। वो लिखते नहीं है लेकिन दैट इज अंडरस्टूड। आपने देखा है हाथ जोड़कर एक बार सेवा का मौका दें तो अपने आप हम फिल्म जो प्लान्स कर लेते हैं कि हमारी इंद्र तृप्ति देगा। ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो बारंबार प्रॉमिस करता है कि वह इंद्र तृप्ति दूंगा मैं, और वह दे नहीं पाता। और यद्यपि वह देगा भी तो भी जनता सुखी नहीं होने वाली, इसलिए हटाकर दूसरे व्यक्ति को रख देते। हम देख रहे हैं, और जिस राज्य के राजा के अंतर्गत व्यक्ति भक्ति करेगा, सोचो खूब जप करने को मिले, कीर्तन करने को मिले, संडे की जगह एकादशी को छुट्टी हो, जन्माष्टमी को व्रत करने को मिले, भागवत सुनने को मिले, बताइए कितना सुंदर व्यवस्था हो जाए। लेकिन आजकल क्या इसमें क्या व्याख्या करें, मतलब आप समझिए ना कितना दुर्दैव है किस प्रकार के राजा हों। कभी कभी मैं सोचा करता अगर अशोक कृष्ण कॉन्शियस होता, वो तो बुद्ध के बारे में प्रचार किए तो पूरे भारत में बहुत जगह प्रचार हो गया, विदेशों में तो भी हो गया था। सोचिए उस जमाने में केवल एक राजा था, जबकि ना वो तक टेक्नोलॉजी थी ना कुछ था। और इस प्रकार से अगर राजा कृष्ण भावना भावित हो जाए तो पूरे विश्व में, एटलीस्ट अब पूरे देश में कृष्ण भावना फैल जाएगी। पावर का बहुत फर्क पड़ता है। हम तो कई बार लोगों को बोलते हैं भाई देखो प्राइम मिनिस्टर सूर्य नमस्कार क्यों कर रहा है, तो बहुत लोग सोच कर क्यों कर रहा है, तो हम भी करने लग जाते हैं। यदि यदि आचरती श्रेष्ठ, और सोचिए अगर प्राइम मिनिस्टर हरे कृष्णा कीर्तन में नाच रहे हो, कभी सोचिए प्राइम मिनिस्टर नाच रहे हो हरे कृष्णा, तो वाह है कि नहीं, तो सभी लोग नाचने लग जाएंगे, या जो भी हमारे क्रिकेट स्टार हैं, जो कुछ भी हैं। इस प्रकार से होना चाहिए। चलिए आपने सुना इसके बाद, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग नामक नवे अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। काफी समय हो गया है तो हम सनातन शिक्षा तो आज नहीं ले रहे अभी इसको, मुझे लगा था कि जल्दी हो जाएगा। पारायण करके फिर हम रुकेंगे।